गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर स्टूडेंट्स, एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये कुछ जनरेट नहीं करता है, ये क्या करता है, वन टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू अनदर टाइप, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है, आर्मेचर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर वाउंडेड ओवर ए लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। यानी आर्मेचर में क्या होता है, इस तरह से सॉफ्ट आयरन कोर होता है और उसके ऊपर कॉपर के टर्न्स लिपटे हुए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सॉफ्ट आयरन कोर है और उसके ऊपर कॉपर के टर्न्स लिपटे हुए हैं, बिल्कुल वैसे। स्लिप रिंग्स R1 एंड R2 क्या है, आर कनेक्टेड विद एक्सट्रीम एंड्स ऑफ आर्मेचर, ये स्लिप रिंग्स है। ब्रशेस B1 एंड B2 दे ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लोड रेजिस्टेंस। फील्ड मैग्नेट दीज आर मैग्नेट। स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर की वर्किंग। वर्किंग में स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास एसी जनरेटर, ठीक है, और ये आर्मेचर एबीसीडी जो कि रोटेट कर रहा है। जब थीटा इज इक्वल टू 0 है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, ये किससे, इसका नॉर्मल टू प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से ये एंगल बना रहे हैं। अलग अलग टाइप का, जब टाइप 0 है, जब टाइप T/4 है, जब टाइप T/2 है, जब टाइप 3T/4 है और जब टाइप T है तो 360। स्टूडेंट्स, वर्किंग कैसे है, वेन आर्मेचर एबीसीडी रोटेट्स इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड NS, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद आर्मेचर चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। और ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, मैं भी प्रूव करूंगा, E = E0 sin ωt या फिर E = E0 sin थीटा, जहां E0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें थीटा बराबर 0 रखू, थीटा क्या रखा हमने, 0, तो E = E0 sin 0 आएगा, थीटा = 90 लिया तो मेरे पास आ गया E = E0 sin 90, और sin 90 क्या होगा बताओ, sin 90 क्या होगा, 1 E0, थीटा = 180 लिया तब E = E0 sin 180, sin 180 0 होता है, 0 होता है, थीटा = 270 टाइम पीरियड ये, तो E = E0 270 पर क्या आएगा, -E0, साइन 270 -1 होता है, थीटा = 360 है तो E = क्या होगा, E0 sin 360 और sin 360 क्या होता है, 0। स्टूडेंट्स, इसका मतलब थीटा 0 है, जब थीटा 0 है तब टाइम क्या है, 0, उसके लिए हमारे पास ये आ गया, और जब थीटा 90 है तब टाइम क्या होगा, T/4, उसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गया E1। फिर 180 के लिए इस टाइप के लिए T/2 के लिए कितना आ गया, 0। 270 के लिए क्या आएगा, या -E0 और 360 के लिए 0।
अब पूरा वर्किंग जैसे वो अर्वेचर घूम रहा है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन और एसी अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से हमें मिल रही है वो मैंने यहां पर आपको वर्किंग एसी जनरेटर की दिखा दी है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं इंड्यूस करंट। क्या कहते हैं? इंड्यूस करंट। तो हाउ कैन वी डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट? ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। स्टूडेंट्स राइट हैंड लेकर चल रहा है तो राइट हैंड के केस में देख लीजिए, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, आप देख लें ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारे पास करंट। अब जब ये ऐसे घूम रहा है तो यहां फोर्स इधर थी और यहां फोर्स इधर है और यहां फोर्स क्या है इनवर्ट। तो देख लीजिए ये अंगूठा फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहां पर है? तो करंट इसमें ऐसे शो कर सकते हैं, करंट को इस तरह से हम इसमें शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये वर्किंग है और ये मैंने आपको क्या बताया, हाउ कैन वी डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या है हमारे पास? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और मैंने इसके किस तरह से करंट की डायरेक्शन इस तरह से फ्लो करेगी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ेंगे आज एसी जनरेटर में टू प्रूव ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एसी जनरेटर, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला जो हमने यूज किया ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट्स ये जो मैं फॉर्मूला प्रूव करने जा रहा हूं इस फॉर्मूले को मैं बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टूडेंट्स लेट एन नंबर ऑफ टर्न्स इन आर्मेचर, ए एरिया ऑफ आर्मेचर, बी मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर एट एन इंस्टेंट। मैंने सपोज कर लिया नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड बी, तब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बी डॉट ए। लेकिन क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स है एन साथ में आएगा और बी डॉट ए क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। या फाइव इक्वल टू लिख सकता हूं एन बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टी। तो बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी या फिर माइनस डी बाय डी टी, फाइव की जगह एन बी ए कॉस ओमेगा टी। या फिर स्टूडेंट्स ई इज इक्वल टू माइनस एन बी ए बाहर ये आ गया डी बाय डी टी कॉस ओमेगा टी। मैं लिख सकता हूं माइनस एन बी ए और कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूं माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ गया हमारे पास ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट्स इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं ई इज इक्वल टू ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट्स वेयर ई नॉट एन बी ए ओमेगा, यानी पीक वैल्यू ऑफ क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर यदि इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल, यानी जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस, तब पीक वैल्यू ऑफ करंट
पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर या फिर एल ए बी ओमेगा अपॉन आर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूले है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स आइए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। हमारा न्यूमेरिकल है अ फ्लैट कॉइल ऑफ 500 टर्न्स ईच ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर रोटेट्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.14 वेबर पर मीटर स्क्वायर एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 150 रेडियन पर सेकेंड। द कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अप्लाइड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। कैलकुलेट द पीक करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स हमें पीक करंट निकालना है। सबसे पहले गिवन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, हमें गिवन है एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 इंटू 10^-4 मीटर स्क्वायर, रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.14 वेबर पर मीटर स्क्वायर एट एन एंगुलर स्पीड 150 रेडियन पर सेकेंड। और द कॉइल हैज रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल आर कितना हो गया, एक तो कॉइल का रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टेन, दोनों सीरीज में होंगे तो 5+10 यानी 50 ओम। स्टूडेंट्स पीक करंट निकालना है, पीक करंट हमें जो कि निकालना है और वो फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन आर। ई नॉट क्या होता है, एन ए बी ओमेगा अपॉन आर। व्हाट इज इट, एन होता है 500, ए क्या होता है 50 × 10^-4, बी होता है 0.13 और ओमेगा है 150। आर प्लस आर डैश स्टूडेंट्स 15। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आएगा, आप चेक कर ले, 52.5 डिवाइडेड बाय 15 या कह ले 3.5 एम्पीयर। स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा आज का टॉपिक था एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।